पहलवानी के लिए अभी भी मैं बहुत मरता हूँ। पहलवान बोले तो मेरे जिस्म में अजब सी एक करंट पैदा हो जाता, जब से मेरे को फील होने लगता है पहलवान क्या होना था, क्या हो गया हैदराबाद के पहलवान। అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మేము బేగం బజార్లో ఓం మ్యామ్ సార్ లల్లు ఉస్తాద్కి వచ్చాం, మా గురువుని వీడియో తీయడానికి. ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా గురువుని కలవడానికి వచ్చాను. ఆయన పేరు యోగేష్ పల్వాన్. ఆయన గురించి, ఆయన పల్వాన్ని ఎట్లా చేశారో ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం. మే పల్వాని కైసే చాలూ కరా బోలేతో మే పల్వాని ఖాందాన్సే హూ. मेरे पिताजी पहलवान थे, उनका नाम था श्री स्वर्गीय मदन लाल जी पहलवान. उनके छोटे भाई अर्जुन पहलवान, इनको देखकर हम पहलवानी करे. हम इन हमारे पिताजी और के 5-6 भाई है. ये इनके पूरे जितने भी लड़के हैं सभी पहलवान हैं. हम जितने भी भाई हैं ना, 21 भाई हैं हम, तो हम पूरे पहलवाना हैं. हम स्पोर्ट्स में हमको क्या पसंद बोले तो वो है रेजलिंग. इंडियन रेजलिंग हमको बहुत पसंद है, इसलिए हम सब इंडियन रेजलर है. ये करने से क्या होता बोले तो अपने को अपनी साथी रहती है. इसकी ये पहलवानी अपने साथी रहती, जिस्म बनेगा तो भी ख़राब नहीं होएगा अपना जिस्म. जैसे आजकल लोग प्रोटीन लेकर और कुछ मेडिसिन लेकर अपना जैसा जिस्म बना रहे, वो जिस्म कुछ दिनों तक रहता. ये इंडियन पहलवानी में लॉन्ग लाइफ, आप जब तक जिंदे रहेंगे आप अच्छे रहेंगे, कम से कम बीमार होंगे. पहलवानी में ये खासियत है. और मेरी जैसे पहलवानी चालू हुई वो तो बहुत अलग तरीके से हुई, लेकिन मैं पहलवानी में बहुत स्ट्रगल कर. पहली जगह कहाँ गए थे नॉर्थ में मैं गया था सबसे पहले मास्टर चंदीराम दिल्ली, उनके पास गया था. फिर वहाँ पर मैं 2-3 महीने रुका. वहाँ पर से फिर मैं आगे गया दिल्ली से. फिर मैं और आगे गया रोहतक, हरियाणा में गया था. मैं हरियाणा में था सुरेश पहलवान के पास, उनके पास 7 साल काटे मैंने. काका आपके उस्ताद का नाम? मेरे उस्ताद का नाम सुरेश पहलवान है. ये रहने वाले हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं ये. मैं इनके पास गया तो मैं जाने के बाद वहाँ पर मेरे को ये देखकर पूछा, अरे तू इधर कैसे आ गया? बोला पहलवानी के लिए आया पहलवान जी. तो ठीक है बोलकर बिठाए वो रखे. वो मेरे को रखने के बाद अपने छोटे भाई के सर का रखे मेरे को वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रहने की व्यवस्था करे रहो. और प्रैक्टिस में अच्छी तरह लेकर मेरे को अपने साथ करवाते थे ये प्रैक्टिस. हमारे कोच साहब थे महावीर सिंह कोच, वो बहुत मेरे को लाइक करते थे. इतनी दूर से आया तू, कुछ कर तो तेरे को कुछ फ़ायदा होएगा. कोच रहते थे, कोच करवाने के बाद, कोच करके करवा के जाने के बाद हमारे खलीफा थे. हम सभी लड़कों के ऊपर निगरानी करने के लिए खलीफा थे, उनका नाम गांधी था. वो गांधी बाबा हमारे हर चीज़ में काम आते थे. अखाड़े में मेहनत करने के बाद हमसे मेहनत नहीं होती तो हमको प्यार से करवाते थे, हम नहीं करे तो डंडे से करवाते थे. हम उनकी बात मान लियेंगे वो हमको, हम चाहे वो जो लवो ला कर देते थे हमें, जैसे फ्रूट हो, सब्जी हो, कुछ भी चीज़ हो. मैं नहीं जा सकता हूँ आज बोले तो वो ला के देते थे हमारे को. मेरे को मतलब मेरे साथ 100 लड़के थे. हम 100 लड़कों को वो सबसे ज़्यादा, जहाँ लोग बाहर से आए, ये तो हरियाणा के, इनको नहीं, जो बाहर से आया सो लड़के को अपने को ज़्यादा देखना है. वो भी इतनी दूर से आया, हैदराबाद से हरियाणा आया बोले तो बहुत बड़ी बात है बोलकर वो मेरे को. सभी लड़के भी अच्छी तरह से रखते थे. और गुरुजी, कोच साहब, खलीफा, ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे. क्यों बोले तो इतनी दूर से आया पहलवानी करने को. मैं नहीं भी करता तो ये मेरे को रोज़ उठाकर
मारते थे, प्यार से कराते थे, किसी भी तरह से ये मेरे को एक दिन भी मेहनत के लिए डुम्मा नहीं मारने देते थे। सुबह नहीं करूँगा तो शाम में करवाते थे, अगर आंग दुख रहा हूँ बोले तो मालिश कर देते थे। ये ऐसे मेरे को बहुत अच्छे गुरुजी मिले, साथ में हमारे उनसे भी अच्छे और कोच साहब मिले। इन दोनों के ऊपर हमारे गांधी खलीफा का भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर निगाह थी उनकी, हम उनको भूल नहीं सकते। ये तीन लोग मेरे को जिंदगी में बहुत अच्छे मिले और वहाँ पर ये बच्चे मेरे साथियों में से अभी भी कम से कम हम 100 लड़के थे, अभी भी कम से कम 50 आदमी भी मेरे कांटेक्ट में है। मैं पहलवानी छोड़कर अभी मेरे को 15-17 साल हो गए, वहाँ से आकर मेरे को कम से कम 20 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन आज भी मैं वहाँ पे उनके संपर्क में हूँ, अगर कुछ भी मेरे को वहाँ पर हुआ तो फ़ोन करते हैं, मैं जाता हूँ आता हूँ पहलवानी के लिए। अभी भी मैं बहुत मरता हूँ पहलवान बोले तो, मेरे जिस्म में एक अजब सी एक करंट पैदा हो जाता, अजब सा मेरे को फील होने लगता है पहलवान क्या होना था, क्या हो गया हैदराबाद के पहलवान को। काका आपके कोच का नाम? मेरे कोच का नाम महावीर सिंह कोच है उनका नाम, और वो हमें 100 लड़कों को रोज़ सुबह 3 बजे उठाते थे। 3 बजे उठाकर वो लड़कों को बोलते थे जो पीटी कर दौड़ करने को जा रहा है दौड़ को जाओ, या नहीं तो फिर राजा कौन कौन सपाटे मारने वाला है सपाटे मारने को ले लेते थे। उसके बाद फिर अखाड़ा 100 लड़कों को एक साथ वो एक मेहनत नहीं करवाते थे, अलग अलग टीम में अलग अलग लड़कों को बांट देते थे। उसको एक लड़का एक आदमी देखता था, गुरुजी एक को देखते थे और हमारे खलीफा एक को देखते थे। 3 आदमी होकर 100 आदमी को बांट लेते थे, 3 आदमियों में 100 आदमी हो जाते थे। वो अलग 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 अपनी मेहनत करवाते थे, 3 बजे से 5 बजे तक हमें फुल मेहनत कराते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा देते थे। 5 बजे के बाद हमको छोड़ देते थे, फिर 5 बजे से 6-6:30 बजे तक हम फुल रेस्ट पर रहते थे। रेस्ट लेने के बाद सुबह 7 बजे हमारे जोर चालू होते थे, दांव प्रैक्टिस चालू होती थी। जोर करवा के दांव प्रैक्टिस करवा के कोच साहब और गुरुजी का काम था जोर और दांव प्रैक्टिस करवाना, हमारे खलीफा का काम था कि बाद में ये दांव जोर करने के बाद इनकी मेहनत लेना, दांव प्रैक्टिस कराने बैठने के बाद उनकी मेहनत लेना। ये हमारे गांधी जी कोच खलीफा थे, ये करवाते थे हमको। उसके बाद रिटर्न हैदराबाद को कितने साल के बाद आया काका आप? मैं जब पहली बार गया था पहलवानी को, उसके बाद रिटर्न में आया 7 साल के बाद। 7 साल के बाद आने के बाद सीधा मैं डायरेक्ट, एक टूर्नामेंट था वो टूर्नामेंट लड़ा, उसके बाद फिर मैं गणेश केसरी लड़ा, उसके बाद फिर सीनियर नेशनल लड़ा, राजू गांधी केसरी लड़ा, गणेश केसरी लड़ा, उदाराम केसरी लड़ा, ये 4 टाइटल मेरे पास है। आंध्र केसरी 2 बार लड़ा हूँ, 1 बार रनर रन रहा हूँ। तेलंगाना के पहलवानों को जितने भी पुराने पहलवान हैं उनको मैं मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने आड़ पड़ोस के, अपने दोस्तों के सभी बच्चों को पहलवानी करा तो तेलंगाना की पहलवानी को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बहुत सहयोग होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहलवानों को बढ़ाओ, पहलवानी बढ़ाओ। और ये अजय साई तेजा ये दोनों मेरे पास करते हैं, ये नया चैनल चालू कर रहे हैं दोनों भी। सभी पहलवानों से निवेदन है ये वीडियो जरूर से ज़रूर देखें, उसको लाइक करें और इनको आगे बढ़ने में अपना सहयोग करें। काका आप आज के जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं ये पहलवानी के बारे में? ये पहलवानी के बारे में आज की जनरेशन को, आज की युवा पीढ़ी को मैं यही एक मेरी तरफ से सभी नए जनरेशन के बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट्स करो मन से करो, लेकिन सब स्पोर्ट्स से अलग स्पोर्ट्स है पहलवानी। इसको करने से आपको बहुत ऐसा महसूस होगा कि जैसा कि मैं कुछ
मेरे में हाथा पैरों में कि मैं अच्छा हूँ, रह सकता हूँ और मैं कितने और साल बोले उतने साल मैं ऐसी रहना चाह रहा हूँ। तो आज के न्यू जनरेशन को मेरी तरफ से कि पहलवानी करो।